राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए राजस्थान सेवा नियम 1971 में संशोधन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पदोन्नति पत्रावली को कैबिनेट बैठक में पारित कर शीघ्र पदोन्नति की राहत दिलाएं। राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद के जिला अध्यक्ष अरविंद जोशी के नेतृत्व में संघ के सभी पदाधिकारी एवं साथी गणों ने सामूहिक रूप से पुस्तकालय अध्यक्ष पदोन्नति की मांग उठाई। इस दौरान राजेश पुरोहित, अनिल बंग, देवीलाल जाट, हनीफ अली, खेमराज नडुका, कौरव शर्मा, कृष्णा शेखावत, भारती पारिक, राधेश्याम, प्रहलाद पारिक, रणजीत शेखावत, राधेश्याम शर्मा, बालकिशन सोमानी, सुमनलता शर्मा व अन्य सदस्य उपस्थित रहे। द्वारा आज पुस्तकालय अध्यक्षों की पदोन्नति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी नाम ज्ञापन दिया गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष लगभग 20 वर्ष से पदोन्नति के लिए तरस रहे हैं। राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन के नाम से इस पदोन्नति को रोक रखा है। अब ये फाइल 2012 में तत्कालीन सरकार ने पुस्तकालय अध्यक्ष पदोन्नति के लिए सेवा नियम संशोधन के लिए फाइल चलाई थी। वो फाइल इतनी धीमी गति से कछुआ चाल से चलती रही और चलते हुए अब वो विभिन्न विभागों से पारित हो चुकी है, लेकिन वो कैबिनेट की मीटिंग में पारित होना उसका शेष बाकी है। हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं, इस फाइल को तुरंत कैबिनेट से पास कराकर पुस्तकालय अध्यक्षों को पदोन्नति प्रदान कर राहत प्रदान कराएं। मैं अरविंद कुमार जोशी, राजलेसा अध्यक्ष, भीलवाड़ा।